Virat, so good to see you. बहुत शुक्रिया विराट जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये रस्म निभा ली। वही तो मैंने सोचा, घर के किसी बड़े मेल मेंबर को ये रस्म करनी थी तो मामा ही सही। और वैसे भी विराट ना दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अरे इसमें क्या है जीजी, इंसानियत के बिना क्या मतलब है इंसान कहलाने। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं दूसरों के काम आता। अंजलि जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके भाई उम्र में जरूर छोटे हैं लेकिन इनके विचार बहुत सुलझे हैं। सुकेत जी, जिंदगी का तजुर्बा है, मैं भी कभी बिगड़ा हुआ था, पर सालों पहले किसी के थप्पड़ ने मारे को सही रास्ता दिखा दिया। अब भावना, मैं सबको बाहर बुला के लाता हूँ, फिर हमें चलना चाहिए। विराट, तो अब मारी समझ में आया है तो रस्म करने से मना क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रस्म संगीता के साथ करनी पड़ती। एक तू ही तो है विराट जो मुझे समझ सकता है, मेरे दर्द को समझ सकता है। तू ही है जो जानता है कि उस काली भयानक रात को क्या हुआ था। बस पल भर में जिंदगी बदल गई यार, और एक कभी ना मिटने वाला गम समा गया दिल में। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं तो पाया, अंजलि को क्या बताता। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की मैंने, ऑस्ट्रेलिया गया, फिर से वापस इंडिया आया, यही सोच के कि फिर शायद खुशियों की एक नए लहर निकल पड़े। मगर यहां आते ही किससे मिलता हूं मैं? संगीता से। वही धोखेबाज संगीता से, वही बन गई मेरी समधन। और ये शादी में तोड़ भी तो नहीं सकता, मेरा बेटा बहुत प्यार करता है अपनी से, और अतीत में जो कुछ भी हुआ वो इन दोनों का दोष थोड़ी है। मगर जिसके ख्याल से नफरत जागती है, अब उसी की शक्ल मुझे जिंदगी भर देखनी होगी। जिसका जितना अपमान करूं वो कम है, अब उसी को सम्मान देना होगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सुनो मेरी बात, एक सबसे पहले मैं थारा दोस्त हूं, फिर साड़ा यार, मारी बात मान, संगीता के साथ इतना सख्त मत बढ़ यार। राख में चिंगारियां जले भी होएंगी तो उसमें हवा मत दे यार, भूल जा नफरत को। देख तू अच्छी तरह से जानता है मैं तुझे कभी गलत राय ना दूंगा यार, तू खुश रह। सच का स्वाद कड़वा, झूठ रसीला बेड़ा समा, तो वही घोलता हूं अपनी जुबान पर,
इंसान की खाल और शैतान की छाल, यह असली पहचान है हमारी। उस काली रात को विक्रम उड़ जाए तो अच्छा है, पर जहां तक संगीता का सवाल है, उसे वो काली रात में भूड़ने ना दूंगा। अरे वो रात हुई इस वास्ते कि मारे को संगीता से बदला लेना था। उसने अपमान किया तुम्हारा तो जवाब तो देना ही था ना, पर मारा बदला अभी पूरा ना हुआ है। संगीता, अब तू और थारी बेटी दोनों को कैसा नाच नचाता हूं अब देख तू। राज, तुम्हारे मामा तो बिल्कुल हरफन मौला है, हर मर्ज की दवा, कोई काम मुश्किल है ही नहीं उनके लिए। हाँ बाबूजी, विराट जी तो चुटकी में हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। हाँ बुआ साहब, मेरे मामा ऐसे ही है, जो भी उनसे मिलता है ना उनका फैन बन जाता है। लेकिन तुम उनकी फैन बनना, तुम्हारा हीरो मैं हूं। वैसे आज मेहंदी भी होगी, शादी का दिन भी नजदीक ही है, ईश्वर की दया रहेगी, गोविंद जी की कृपा रहेगी तो ये भी सब अच्छे से निपट जाएगा। दो हंसों का जोड़ा, बहुत कर लिया आपस में गपशप, आज मेहंदी हो गई है तो बस अब से लेके शादी तक ना तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे और ना ही तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे। आई बात समझ में? ये लो, दो दिन की जुदाई और इन दोनों के चेहरे तो देख लेना जरा। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन रसम तो रसम होती है, निभानी तो पड़ती है। अब आज के बाद तुम दोनों शादी से पहले ना तो मिलोगे ना फोन पे बात करोगे, ओके? मैं भी कभी बिगड़ा हुआ था, पर कुछ सालों पहले एक थप्पड़ ने मारे को सही रास्ता दिखा दिया। सुनिए, जीजा सा, जो मैंने बोला था बोल दो ना। देखिए, आज मेरी वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए माफी मांगता हूं मैं। मारी विक्रम जीजा सा से बात हो गई, अब आने वाले दिनों में कोई झमेला ना होगा, ये मारा वचन है तारे से। अरे मैं तो बस इतना चाहूं कि शादी अच्छे से हो जाए, दोनों में टेंशन बना रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। विराट सिर्फ मेरा साला नहीं है बल्कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त में से एक है। उस टेकरी की रात के बाद इसी ने मुझे संभाला था, टूट गया था मैं, विराट की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली, और आज अगर मैंने माफी मांगी है तो सिर्फ विराट की वजह से। अब तारे को परेशान होने की कोई जरूरत ना है। संगीता, अरे भाई क्या बातें चल रही हैं समधी समधन के बीच? कुछ नहीं, वो समधन जी से ठीक से मिल ना पाया था तो बस आपसे दोबारा मिलकर घनी खुशी हुई।
भावना जी, शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। समधन जी घनी कोमल स्वभाव की है। वो तो है। एक चील और एक चूहा, घना मजा आएगा खेल। माँ, पापा, अक्षत भैया, आभास भाई, बाऊजी, वो लोग नहीं आ रहे? पगली, ये रस्म सिर्फ औरतों के लिए होती है, इसमें सिर्फ लेडीज ही शामिल हो सकती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे आभास भाई, अक्षत भैया, तेरे पापा और बाऊजी की तरफ से ना मैं तुझे मल मल के उपटन लगा दूंगी। हाँ, तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नजर ना लगे। चल आ जा। अतीत के साए को ढूंढ रही है, दिखे तो क्या करें, हाथ में पकड़ लेंगे या आंगन में दफना दे। संगीता, धूप हो या परछाई, मुट्ठी में कभी बंद ना हो गए। मेरी बेटी की हल्दी वाले दिन तुम यहां क्या कर रहे हो? संगीता, अरे भावना जी, आप तो नाराज हो रही, इसमें हमारी गलती ना है, हमारी बहना की गलती। मैं तो ये चंदन का उपटन देने आया था। जीजी भूल गए थे ना? अरे जीजी, ये आप भूल गए थे ना? थैंक यू सो मच विराट, तुम कितने अच्छे हो, सबकी कितनी चिंता करते हो। भावना, जल्दी आइए ना। काम खत्म हो गया, तोहफा हो जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं संगीता, मारे को औरतों वाली रस्म से घड़ा लगाओ है, आंखें जो सेक लेता हूँ। कितने नीच हो तुम विराट, और ये जो अच्छाई का नाटक तुम कर रहे हो ना, ये नाटक सबके सामने करूं वो बेवकूफ बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे अतीत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। संगीता बस, मैंने जो किया उसके लिए मारे को घना बेइज्जत कर चुकी है तू मत गाँव में। अरे मैंने तो एक छोटी सी काली करतूत की थी, पर तूने तूने जो कांड किया है वो तो अमावस के अंधेरे को भी शर्मिंदा कर। अरे वहां कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अब बोल, सराफत की नौटंकी का असली खेल कौन खेल रहा है, तू या मैं? खबरदार, जो ज्योतिष को सामने लेके आया। संगीता, मारी को पुरानी बासी खबर में मजा ना आवे, मैं तो खुद ही आज के समाचार बढ़ा लेता। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। मारी आंखों के सामने जो नजारा है, इतना सुंदर, हाय मारी आंखों को तो ठंडक पड़ गई। आज तारी छोरी ने तो मारे होश उड़ा दिए। नीच, कमीने, खबरदार जो अपनी बुरी नजर मेरी बेटी पर डाली, वरना विराट बाबा,
What a pleasant surprise! Avani? घड़ी चमक रही है, एकदम राजकुमारी लग रही है। मारे को क्यों ना मिली पहले? राज घड़ी किस्मत वाला है सच में। Come on, मामा, आप भी ना। बहुत रस्में बाकी, चल। कामनी, देख कामनी, तुम्हारे को मामा ना बुलाया कर, वीर बुलाया कर। वीर? हाय, कितना अच्छा लगता है तारी जुबान पर, मारे अपने करीबी, मारे को वीर बुलाते हैं। माँ, आपको पता है ये वीर इतने अच्छे हैं ना, कल हम लोगों ने ना बहुत बात की, he's too funny, too good. तुम दोनों ने कब बात की? भावना जी, अब शादी तक राज तो बात कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। एक दूसरे से जान पहचान होना जरूरी हो गया है ना, तो मैंने बात कर ली। अभी तू चल, मामी जी पापा आपको बुला रहे हैं, उनसे बोलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे समधर जी, जी जी देखो ना, अवना जी को अवनी की घनी चिंता है, तभी एक मिनट अकेला नहीं छोड़ती। अब हम क्या इतने बुरे हैं? Not at all. ये तो बहुत अच्छे। भावना, आपको सुकेत जी बुला रहे हैं, आप जल्दी जाकर उनकी बात सुन लीजिए और अवनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम उसका बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। हाँ भावना जी, आप चिंता ना कीजिए, आपने जैसा सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। भावना देखो, हाँ तो देखते हो जो बाकी और बस फाइनल। आपने बुलाया? हाँ भावना, अच्छा आप आ गई। मैं और अक्षत बस अभी गेस्ट लिस्ट ही बना रहे थे। भावना, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो खास गेस्ट हैं वो तो घर पे ही रुक जाएंगे। हाय, मारी आंखों को तो ठंडक पड़ गई। हाय, तारी छोरी ने तो मारे होश उड़ा दी है, घड़ी चमक रही है, एकदम राजकुमारी लग रही है, मारे को पहले क्यों ना मिली। भावना, क्या हुआ, आपका ध्यान कहाँ है? एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आके सुनती हूँ। हाँ लेकिन पूरी बात तो सुन जाइए, ताकि मैं और अक्षत इस बारे में डिसाइड कर सकें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब शादी तक राज तो बात कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। एक दूसरे से जान पहचान होना जरूरी हो गया है ना, आप चिंता ना कीजिए, आपने जैसा सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। मैंने कहा ना, मैं आके सुन लूंगी। अवनी, 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 अर्पिता तुमने अवनी को कहीं देखा? मम्मी जी क्या हुआ आपको? अवनी को कहीं देखा तुमने? मम्मी जी रिलैक्स, अवनी की विराट जी के साथ ऐसी जमी है कि पूछो ही मत, वो ही उसे कहीं ले गए। मेरी मेरी बेटी को कहाँ लेके गया होगा? अरे अवनी, मैं सच कह रहा हूँ, तारे जैसी सुंदर भोली भाली छोरी मन्ने मिल जाती तो कब का घर बसा लिया होता मैंने अपना। हाँ माँ। अवनी कहाँ है तू? मैं वीर के साथ हूँ, वो कहीं मुझे ले जा रहे। कहाँ ले जा रहे, क्यों ले जा रहे पता नहीं, लेकिन हम बस जा रहे कहीं। अवनी तू बिना मुझसे पूछे कैसे कहीं जा सकती है, तू वापस आ। माँ मैंने मॉम को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने आपको बताया नहीं, और फिर मैं वीर के साथ ही तो हूँ, वो तो फैमिली मेंबर है। आप मुझे कुछ नहीं सुनना है, तूने किसको बताया कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तू वापस आ भी। अवनी अरे माँ का फोन है, ला मने दे, मने दे। अरे भावना जी, अवनी हमारे साथ ही, तो आप समझ सकती है कि वो कितनी सुरक्षित है। अरे हम होटल जा रहे हैं। अब क्यों, क्या ये मत पूछना। अंदाजा जरूर लगा सकती। मैं मार डालूंगी, मेरी बच्ची को छुआ ना, मार डालूंगी तुम्हें। हाँ भावना जी भाई बिल्कुल, अवनी के साथ होटल में काम हो जाएगा तो उसे वापस ले आओ। विराट हाँ जी भावना जी, शुक्रिया शुक्रिया। अरे मार गई तारी माँ, चल चल के मौज बनाते, चल। अवनी 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 सुन,
निकल आ गया। अभी विराट रामा यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मैं क्या करूं? कभी ना मेरी बेटी को कहाँ लेके गया होगा।